हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर वन में करेंट सेक्शन का एक टॉपिक है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले 25 से 27 जुलाई के बीच में हमारा ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसमें क्या क्या हुआ, उस सारी बातों को हम लोग देखेंगे। जीएस पेपर वन की बात करें तो जीएस पेपर वन में तीन सेक्शन होता है। एक होता है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, उसी में इंक्लूडेड होता है। और सेक्शन टू में होता है जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो करेंट अफेयर्स होता है उससे रिलेटेड एक जो तीन क्वेश्चन को बनाने होते हैं। तो सेकंड हम लोग बात करें, आज सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। सेकंड सेक्शन यानी करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में जो टॉपिक अभी लिए हैं वो लिए हैं ब्रिक्स, अभी जो कि ब्रिक्स का समिट हुआ था तो इस कारण। और थर्ड टॉपिक जो होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि संडे को, जो अभी आने वाला संडे है, उस दिन आपको टेस्ट लिया जाएगा। और देखते हैं कैसे, जनरली जो चांसेस है वो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, मतलब आपको स्क्रीन पे आपको आएगा क्वेश्चन और उसको आपको बनाना होगा। तो इसके लिए आपको जो है संडे को टाइम निर्धारित किया गया है। उसमें अगर जैसे टाइम, अगर टाइम स्लॉट की बात करें तो टाइम 9 से 10 हो सकता है, उस बीच में 20 मिनट या आधा घंटा का होगा जो भी प्रोग्राम होगा। तो अगर आप इसमें टाइमिंग को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि संडे है तो दोपहर में भी किया सकता है, दिन में, शाम में, किसी भी समय किया सकता है, जैसा आप लोग बताएंगे उसके अनुसार वो टाइमिंग होगा। ऐसे जो टाइम है ऐसे रात को 9 बजे के बाद टाइम होगा, तो ऐसे जनरल ये टाइम है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री, जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो कि एनसीईआरटी जिसका आप लोगों को पीडीएफ दे दिया गया। अगर नहीं भी अगर मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल से, एनएसकेपी टेलीग्राम है, एनएसकेपी बीपीएससी, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से दो टॉपिक है, हड़प्पा और 600 BC से 600 AD। ये दो टॉपिक है, दो टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये दो टॉपिक से 10 क्वेश्चन रहेगा जो कि एनसीईआरटी का रहेगा। ज्योग्राफी 11th में जो पार्ट वन है उसमें देखेंगे तो दो टॉपिक है, अर्थ एंड लैंड फॉर्म्स। तो पहला टॉपिक है वो अर्थ है, अर्थ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा है जो लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो आप ये दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है 10-10 क्वेश्चन, 10 ज्योग्राफी से, 10 हिस्ट्री से रहेगा, यही चार चैप्टर से 20 क्वेश्चन रहेगा। और टाइम टू टाइम इसमें हम लोग रिवीजन भी करते चले जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन बीच बीच में इसको रिवीजन भी होता चला जाएगा, तो इसी कारण आप इसको ध्यान से कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स के बारे में अगर देखें तो शुरुआत में इसका नाम था ब्रिक, BRIC। BRIC चारों देश का नाम है, पाँच देश का नाम है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। शुरुआत में नाम इसका ब्रिक था, अगर इसका शुरुआत में नाम देखें तो ब्रिक था। और इसको 2001 में जिम ओ'नील, एक इकोनॉमिस्ट था, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट, तो इन्होंने सजेशन दिया था, जो कि गोल्डमैन सच्स के थे। तो इस इकोनॉमिस्ट ने सजेशन दिया कि अगर ये पांच देश, अगर ये चार देश, हालांकि इन्होंने चार देश का ही जिक्र किया था, कि अगर ये चार देश अगर आपस में मिलकर करे, अगर इन लोग आपस में एक कोई ग्रुप बनाए तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इन लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इन लोगों को कहा, इन लोगों इसका कहना था, यानी जिम ओ'नील का कहना था कि 2050 तक जो ब्रिक कंट्रीज है, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये चारों कंट्रीज जो मिलकर ये वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हैं 2050 तक, ऐसा इनका मानना था। तो कहीं ना कहीं इसी से फार्मूला लेकर फिर 2001 में जो जिम ओ'नील का फार्मूला लिया गया था, इसको लेकर 2009 में इसका ब्रिक का फाउंडेशन हुआ। और ब्रिक का पहला जो मीटिंग हुआ वो 2009 में हुआ, रसिया में हुआ, यांटकेबर्ग है रसिया में, वहाँ पे इसका पहला मीटिंग हुआ ब्रिक का। 2010 में अगला मीटिंग था, वो चाइना में था, सान्या में, चाइना के सान्या में मीटिंग होने वाला था। तो वहाँ पे एक अलग देश, एक और देश को ऐड किया गया, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया। तो अब ये ब्रिक नेशन से बन गया है, ब्रिक्स नेशंस। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, प्रीति के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि ब्रिक्स जो था इसका अभी 10वां मीटिंग था, 25 से 27 जुलाई के बीच में हुआ था, साउथ अफ्रीका का कैपिटल जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इसका जिस बात का जो प्रेसिडेंट थे वो थे साउथ अफ्रीका के, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। इसमें जो मीटिंग होता है, इसके पहले 9वां मीटिंग था, 9वां मीटिंग कहाँ था, चाइना में। तो इसमें जो मीटिंग्स होता है ना, वो ब्रिक्स का जैसे पांच देश है BRICS, तो उसके पहले इंडिया में हुआ था IPE, उसके बाद में सी यानी चाइना में हुआ था, और अभी जो है एस यानी साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्स में। अगला कहाँ होगा, अगला फिर ब्राज़ील में होगा कहीं। तो इस तरह से इसका एक सीरीज से इसका जो नाम है, इस सीरीज़ के अनुसार ही सब जगह इसका मीटिंग होता है। तो ये हमारा हो गया ब्रिक, 2009 में इसका पहला मीटिंग हुआ था। ब्रिक्स जो है 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ।
अब इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखें कि ब्रिक्स जो नेशन है टोटल मिला के 26% लैंड एरिया को कवर करते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है विश्व का उसका 26% जो है वो लैंड एरिया कवर किया जाता है इन्हीं पांच देशों के द्वारा। 42% पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 42% पॉपुलेशन जो है इन्हीं पांच देशों में है। अभी इसका देखें तो इसका जो जीडीपी है जीडीपी भी 20 ट्रिलियन पार हो रहा है, तो मतलब इस तरह से लग जा रहा है कि इसका जीडीपी भी बहुत अच्छा है। वर्ल्ड बैंक में इसका वोटिंग पावर देखें तो अगर ये चारों पांचों देश को मिला दिया जाए तो वर्ल्ड बैंक में वोटिंग पावर इसका 13.24% है। वर्ल्ड बैंक में वोटिंग पावर IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसमें अगर कोटा देखा जाए तो सब मिला के हो जाता है लगभग 14.9% इन लोगों का कोटा हो जाता है। तो ये हो गया कुछ फैक्ट्स जो कि आपको मेंस एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इन सारे फैक्ट्स को अगर डाल देते हैं तो आपका आंसर एक बहुत ही एक सलीके से एक सुसंगठित रूप से दिखेगा। हालांकि क्वेश्चन जो भी पूछे लेकिन ये सारे डाटा को आप डाल सकते हैं ताकि उसका जो है एक वैल्यू एडिशन के रूप में काम करेगा। अब इसका जो ब्रिक्स नेशन का इसका जो बनाया गया था इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य में था पहला था कि एस्टैब्लिश करना, स्थापित करना, क्या चीज़ करना है, इक्विटेबल यानी सभी देशों को एक स्पेशल उसका मान्यता दिया जाए, मतलब सभी को सभी के बीच में इक्विटेबल हो यानी सभी के बीच में बराबरी का मौका दिया जाए। मल्टीपोलर, मल्टीपोलर का मतलब हो गया कि वर्ल्ड का अधिकांश जो है वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं अमेरिका पे डिपेंड करता है यानी उत्तरी अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज इस पे, तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड की बात किया जा रहा है, मतलब बात किया जा रहा है कि यूरोपियन देश अमेरिकन देश पूरा वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका ये भी उद्देश्य एक था कि मल्टीपोलर बनाया जाए। मल्टीपोलर का मतलब है कि इसका एक नहीं बल्कि कई ध्रुव हो, जैसे एशिया भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, सभी मतलब इसका कई जगह ध्रुव हो, तो ये इसका मेन मकसद था मल्टीपोलर बनाने का। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में सभी को बराबरी का हक दिया जाए, सभी को एक डेमोक्रेसी के रूप में दिया जाए, सभी को अपॉर्चुनिटी दिया जाए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक में या फिर IMF में जो इंडिया हो गया चाहे फिर एशियन कंट्रीज है उसका कोटा बहुत कम है, किस वजह से इनका कुछ इस पर कुछ रोल नहीं होता है, तो इसी की वजह से ये बनाया गया था ब्रिक्स। इसका जो मुख्य जो एम है ये तीनों याद रखना होगा आपको, पहला है कि इक्विटेबल यानी सभी बराबरी का एक स्थापना करना है, बराबरी का माहौल, मल्टीपोलर वर्ल्ड स्थापना करना है और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड स्थापना करना, तो ये सारे चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अब जो हमारा मीटिंग हुआ उसमें मीटिंग में जो टोटल सारे देश जो जिस चीज़ पे जोर दिए वो जोर दिए जो सारे देशों का मानना था वो मानना था म्यूचुअल कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब आपसी सहयोग, यानी सभी देशों का कहना था कि आपसी सहयोग ये बहुत ज़रूरी है, जो ब्रिक्स नेशंस है उनका ये कहना था। सभी देशों ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सॉवरेन इक्वलिटी होना चाहिए यानी संप्रभुता सभी को प्यारी होती है, तो सभी को संप्रभुता की इज्जत करना जरूरी है, सभी को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। इंक्लूसिवनेस ज़्यादा समावेशी हो, समावेशी पर जोर दिया गया, और कोलेबोरेशन के बारे में भी इन लोग स्ट्रेंथन किया गया, मतलब इसको कोलेबोरेशन जो है वो और ज़्यादा मजबूत किया जाए, तो ये सारे जो थे पॉइंट्स थे जिस पर कि सारे लोग जोर दिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो कुछ पॉइंट जो उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने जो जिस बात पे जोर दिया वो मुद्दा उठाए, पहली बात है कि टेररिस्ट का मुद्दा उठाए, इन्होंने कहा कि टेररिस्ट के लिए कम से कम जो जितने भी देश हैं सभी देशों का जिम्मेदारी बनती है कि उसके ज़मीन से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो, तो ये टेररिस्ट का मुद्दा उठाया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर भी जोर दिया मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में, यानी जो इस दुनिया में है इसके कई ध्रुव हों, सिर्फ एक जगह ही पूरा कंसंट्रेटेड पावर नहीं हो बल्कि इसके मल्टीपोलर, इसको कई ध्रुव हों। तीसरा है कि टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि टेक्नोलॉजी हस्तांतरित किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, और टेक्नोलॉजी अगर एक देश को दूसरे देश को दिया जाए और स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाए। उसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड पर भी इन्होंने जोर दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि वर्ल्ड जो ट्रेड, वर्ल्ड का जो ट्रेड है, वर्ल्ड का जो व्यापार है उस पर सभी देशों को सामने आना चाहिए, अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको मिलजुल के सॉल्व करना होगा, लेकिन ट्रेड जो है इसको एक अच्छा एक पॉजिटिव संकेत दिया जाना चाहिए, ट्रेड अच्छा होना चाहिए सारे देशों के बीच में। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि ब्रिक्स नेशन से संबंधित है, जो कि आपको एग्जाम के लिए PT और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात किए, तो चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।